हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैट टू ऑसम। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है डॉक्टर शालिनी की पिंक टी। और ये मेरी पिंक टी है और ये मेरा मेज़रमेंट कप है कि मुझे कितना लेना है, यानी 150 ml मैं इस कप से मेज़रमेंट करती हूँ मॉर्निंग और इवनिंग। और इस बॉटल में मैं अपने फ्रिज में स्टोर करती हूँ पिंक टी। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ऐसा कुछ नहीं है कि मैं डॉक्टर शालिनी को कॉपी कर रही हूँ, बिल्कुल कॉपी कर रही हूँ और मैं उनका नाम लेके कॉपी कर रही हूँ। और मैं इसलिए भी कॉपी कर रही हूँ और आप लोगों को भी बता रही हूँ कि आप इस पिंक टी को ज़रूर ट्राई करिए। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और इसका इफ़ेक्ट आपको 10 दिन के अंदर ही रिज़ल्ट आएगा। फ्रेंड्स, जब मैंने ये पिंक टी पी थी उसके एक हफ्ते बाद ही लोग मुझे टोकने लगे थे कि आपकी स्किन कितनी ग्लो कर रही है, आपने क्या लगाया है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि मुलैठी को हल्का सा कूट के पानी में भिगो देना है। तो मैं एक नॉर्मल आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपको पूरी और अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डॉक्टर शालिनी के चैनल पर जाके फुल इन्फॉर्मेशन के साथ आप इस टी को देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर अनार के छिलके सेपरेट करना है और उसका छिलका अलग करना है। फ्रेंड्स, ये टी से आपके इंचेस लॉस बहुत अच्छे होंगे और आपको 1 लीटर पानी चढ़ा देना है और फिर आप उसके बाद इस अनार को छीलिए। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही थी कि इस टी से आपके इंचेस बहुत अच्छे लॉस होंगे। मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है और आपकी जो स्किन है वो भी काफ़ी ग्लो करेगी, आपके हॉर्मोन्स भी बहुत अच्छे होंगे। मेरे जाने वाले एक लोगों ने इस टी को लिया है तो उन्होंने कंसीव भी किया इस टी को लेने के बाद। तो जिन लोगों का कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रही हो वो इस टी को लेके देखें, मे बी उनको कुछ इफ़ेक्ट पड़े, क्योंकि डॉक्टर शालिनी ने बताया है कि ये टी डायरेक्ट हार्मोन पे काम करती है। तो अगर आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उनके चैनल पर जाके इसकी फुल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ, बस एक आपको रिव्यू दे रही हूँ इस टी का कि ये बहुत ही बेनिफिट टी है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो दूसरे, तो आपको फर्स्ट मैं बीच बीच में बातें भी कर रही हूँ, आपको बता भी रही हूँ। तो इन छिलकों को आपको इस 1 लीटर वाटर में डाल देना है और फिर आपको 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है और उसे ग्रेट करना है। फ्रेंड्स, डॉक्टर शालिनी का चैनल बहुत ही इंफॉर्मेशन चैनल है, चाहे वो वेट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हों, दूसरी चीज़ से, डिसीज़ से जूझ रहे हों। मैंने देखा है जो लोग ऐसे ही आके थोड़ी सी चीज़ और बता के उनके सब्सक्राइबर 2 मिलियंस 3 मिलियंस तक हैं, और डॉक्टर शालिनी जो हैं इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही हैं तो अब जाके उनके सब्सक्राइबर 1 मिलियन हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बस एक बात कहना चाहती हूँ कि जो इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो आप लोग भी दूसरे लोगों से बोलिए कि उनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इन्फॉर्मेशन ले। वो बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं और उनके जो नुस्खे हैं वो बहुत ही कारगर होते हैं। तो ज़रूर आप उनके चैनल पर जाइए और इसके बाद जीरे को डाल के आप इस टी को लगभग 15 मिनट के लिए ढक दीजिए स्लो गैस पे। और आपको इसके बाद जो अनार के दाने हैं उन्हें हल्का सा ब्लेंड करना है, क्योंकि जो इसके अंदर के सीड्स हैं वो टूट जाएँ। तो ये देखिए, मैंने बस एक ही दो बार चलाया है तो सीड्स टूट गए हैं और ये मैंने फ्लावर इकट्ठा किया था 4 to 5 और ये मेरे गुलाब के फूल 3 गुलाब के फूल हैं। तो ये 15 मिनट ओपन करने के बाद इसका कलर ऐसा होगा। और अब आपको इसमें ये जो पेस्ट बना था ये ऐड करना है पूरा। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शालिनी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, उनको फॉलो करने से मैंने लगभग 10 kg तक वेट रिड्यूस किया है विदाउट एक्सरसाइज एंड विदाउट डाइटिंग। तो आप भी उनके नुस्खे फॉलो करिए। और स्पेशली इस टी को मैं इसलिए भी दिखा रही हूँ क्योंकि हर लड़की की चाहत होती है एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्किन, वो चाहे रंग जिनका साफ़ हो, चाहे जैसा भी कलर हो, बट उस स्किन में ही एक ग्लो होना सबसे बड़ी बात है। तो इस टी को आप पीजिए, मैं 100% श्योर कह सकती हूँ कि 1 वीक के बाद ही आपको इसका इफ़ेक्ट दिखेगा। तो इस टी में
आपको जो पेस्ट था डालने के लगभग एक दो मिनट के बाद ही आपको इसमें जो हिबिस्कस फ्लावर हैं यानी गुड़हल के फूल हैं वो डालना है, और आपको गुलाब के 3 गुलाब्स के फूल डालना है जो देसी गुलाब होता है। ये देखिए मैं यहाँ पे 5 to 6 गुड़हल का फूल डाल रही हूँ। मैंने अभी गैस स्लो पर की हुई है क्योंकि ये मेरे फ्लावर थोड़े पुराने हैं। ये देखिए मेरे गुलाब के फूल, इन्हें भी डाल दिए। ये भी थोड़े पुराने हैं, 3-4 दिन पुराने हैं, लेकिन मैंने इसे स्टोर करके रखा हुआ था। तो इन सब डालने के बाद मैंने अभी भी गैस ऑन रखी है, और अब इस सब मिक्स होने के बाद मैं गैस को ऑफ कर दूँगी और इसमें मुलैठी स्टिक डाल के इसको बंद कर दूँगी। ये मुलैठी को डाल के गैस मैंने बंद कर दी है, और इसको भी बंद करके ऐसे ही छोड़ दूंगी जब तक ये ठंडा नहीं हो जाएगा। और इसके लेने का तरीका है कि आपको सुबह खाली पेट 150 ml लेना है और रात को बिफोर बेड आपको 150 ml लेना है। तो इसके बाद मैं इसे एक बॉटल में भर लूँगी और मैं इसे फ्रिज में स्टोर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहा हो उसे शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।